पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोहकर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के साथ सुना और यहां पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पौधारोपण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि पूरे प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में एक पौधा लगाएं और अभियान को भी सफल बनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को जो संदेश दिया उसके बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने भारत जोड़ो अभियान हमें नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र को आगे बढ़ाना है और इसी को लेकर आगे चलना है। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को जीत कर आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि विक्ट्री पंच के तहत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है और सभी को इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। गांधी के भारत छोड़ो अभियान के तर्ज पर देश के लोग अब भारत जोड़ो अभियान को भी चलाएं, इस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल पर भी अब जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से हैंडलूम खादी का इस्तेमाल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देश के लिए जो तिरंगा उठाता है ऐसे लोगों की देशभक्ति की भावना हमें जोड़ती है।